देखो, स्पीड जो होती है, ठीक है, जो भी स्पीड आएगी, स्पीड का सबसे पहले मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सब इसी के अंदर ही है। हाँ, इसी के अंदर है, ठीक है। स्पीड क्या होती है एक्चुअली? जो वेलोसिटी होती है, दैट इज डी आर बाई डी टी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये जो चीज है ये स्पीड बन जाएगी। और ये कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कौन सी हो गई है? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई है, बिल्कुल। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड तो पता चली क्या? मतलब तुम डायरेक्शन ना बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, है ना, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन मत बताओ, तो इसका मतलब तुमने क्या बताया? स्पीड बताई है, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है। डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी थी तुम्हें, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन मैंने तुम्हें लिखवा दी है। हाँ, सिर्फ बेसिक ही करवाया था। ये बात समझ में आई है? नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है। सबसे पहले डिस्प्ले पोजिशन, फिर बताया मैंने डिस्प्लेसमेंट, फिर बताया मैंने वेलोसिटी, फिर बताई मैंने स्पीड, ठीक है। एरर्स 3 बजे वाली क्लास में होगा, पहले अभी काइनेमेटिक्स करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? पक्का? एवा बताओ, एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक दो पॉइंट समझ लो। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स क्या देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी देगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स ऑब्वियस सी बात है, स्पीड देगा। ये सबको बात समझ में आ गई? ये सबको बात समझ में आ गई इसी तरह से, ठीक है। अब देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, पोजीशन, इन सब के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी देखो, मेरे को ये बताओ कि पिछले लेक्चर में मैंने ग्राफ बनाने सिखाए थे, वो समझ में आ गए थे? ग्राफ पिछले लेक्चर में ग्राफ बनाने सिखाए थे, वो समझ में आ गए थे, ठीक है। अगर मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 है, -2 है, एक कार है, ये कार इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बन जाता है, पॉजिटिव होगी। ये कार यहां पे, अब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। नंबर लाइन पे कहाँ है? इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कौन सी बात से फर्क पड़ता है? डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर मान लो यही कार इस डायरेक्शन में चलने लग जाए,
इस डायरेक्शन में चलने लग गया है, अब वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। और ये कार इस डायरेक्शन में चलने लग जाए तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब मान लो ये कार इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, दैट इज 20, मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? वेलोसिटी टाइम 1, 2, 3, 4, 5, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैसा बनेगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, यहां से यू स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि पहले सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 थी, दूसरे पे भी 2 थी, तीसरे पे भी 2 थी, चौथे सेकंड पे भी 2 थी और पांचवे पे भी 2 थी। क्या बात समझ में आई है? नहीं आया ना? बहुत बढ़िया। अगर ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाए इस डायरेक्शन में, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ही बनेगा, बस लाइन कहां से पास आउट होगी? 3 से पास आउट होगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ मेरे को, इसको देखो, ये 5 वाले को, ये 5 वाला ग्राफ देखो, ये बताओ 4 सेकंड में ये कार कितना डिस्टेंस चल जाएगी? 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चल जाएगी? सही बात है, 20 चल जाएगी। 4 सेकंड तक इसके अंडर का एरिया देखो, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है? 20 है, आया ना? ये बताओ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो बस अब लिख लो ये दोनों पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। लिख लो तो ये बात, हाँ है ना? तो 4 पॉइंट समझ में आ गए। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये पता चल गया, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है ये भी पता चल गया, आया ना? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है ये भी पता चल गया। तो तुम देख लो, ऐसे सोचो, तुम्हें जब भी सोचना हो रटने की जरूरत नहीं है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या चीज होती है? तभी एरिया आएगा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या चीज होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे ही अगर ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम करके ही तो ये एरिया आएगा, तो ये चीज क्या आएगी? स्पीड इंटू टाइम करोगे डिस्टेंस आएगा। बस तो बात समझ में आ गई तुम्हें, लिख लो ये बात, लिख लो ये बात। विकास, मैंने ये कहा कि ये वेलोसिटी है,
ये टाइप वॉइस आ रही है। हाँ दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। ठीक है। हाँ इसका आइडिया लगी क्या? ये लिख ही लिया तुमने। अब देखो अभी जेई मेंस का पेपर है ना थोड़े दिन में, 2 से लेके 6 तारीख तक उसका। अब देखो इधर ध्यान, आगे सुनो। प्रोबेबली होना चाहिए, वैभव शर्मा। बिल्कुल। अब देखो अब मेरी बात सुनो तुम। अब ये बताओ इस केस में 0 सेकंड पे स्पीड क्या थी? विकास रिपीट कर तो दिया, वही तो करवा रहा हूं फिर से, वैसे ही तो क्वेश्चन करवा रहा हूं। 0 सेकंड पे 10 स्पीड है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड पे 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे, इस केस में स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। मेरे को ये बताओ इस केस में आपने हर टाइम पे मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दी ग्राफ देख के, मेरे को एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ कौन से टाइम से, कौन से टाइम से लेके 0 से लेके 3 सेकंड के बीच के लिए एवरेज स्पीड बताओ। वीडियो पॉज नहीं है, वीडियो चल रही है। एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड। अभी देखते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच का टोटल डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस बताओ कितना है, डिस्टेंस बताओ कितना है इसके अंडर का एरिया, ये वाला एरिया। हाँ है ना, कितना आएगा एरिया? हाफ दोनों साइड का सम, इट इज ए ट्रेपीजियम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज ये 40 और ये 10, 50।
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3। हाँ या ना, ये डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ या ना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आई। अब ये बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 0 से लेकर 3 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। ऊपर तो टोटल डिस्टेंस आ गया और नीचे टाइम आ गया, डिस्टेंस कितना है 75 और टाइम कितना है 3, तो ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। एरिया कैसे निकाला यार, ये एरिया निकाल सकते हो तुम, ये वाला एरिया। मैं एक्चुअली एक बात बताओ यार, एरिया एक ट्रेपीजियम का एक एरिया निकालना आता है तुम्हें, इन दोनों साइड का सम हाफ, इन दोनों साइड का सम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है ये बताओ मेरे को, ये हाइट कितनी है। और ये लेंथ कितनी है, इन दोनों का सम कितना है 50। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं थोड़ी, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, हाँ है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गई। बेटा इंटीग्रेशन भी करेंगे, जब देख के पता चल रहा है तो इंटीग्रेशन क्यों करेंगे। जब ऐसे रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया तो वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, क्या जरूरी है कि वो टीडियस काम करूं मैं, आसान काम करना सीखना है मेरे को। बात समझ में आई या नहीं, तो ये कितना आ गया 25 आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई। स्ट्रेट लाइन कहाँ चला है, वो तो यूं चला है। अभी तो बताया स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है विकास, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो भैया ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का अंडर का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। तो 0 से लेकर 3 सेकंड की डिस्टेंस आ गई तेरे पास, दैट इज 75, और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। तो मेरा कहने का मतलब है एवरेज स्पीड वो स्पीड है, अब देखो ये एवरेज स्पीड है, अगर इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो 3 सेकंड से, कितना डिस्टेंस आएगा, कितना आ जाएगा 75। इस केस में वेरिएबल स्पीड है तो भी तो 3 सेकंड में 75 ही चल रहा है, हाँ या ना, इस केस में वेरिएबल स्पीड है, 3 सेकंड में 75 ही चल रहा है, तो एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे जो कि एक वेरिएबल स्पीड ने सेम टाइम पीरियड में कवर किया है। अभी भी नहीं आई बात समझ में, अभी भी नहीं आई बात समझ में, आनी थी तो पक्का विकास, क्या नहीं आई बात समझ में इसमें। थ्री इंटू 40 क्यों होगी, एवरेज स्पीड क्या है तुम्हारी। अच्छा 3 इंटू 40, 3 इंटू 40, ये बात बताओ अर्शदीप मेरे को एक बात समझाना, तुम गाड़ी चला रही हो, एक मोमेंट पे तुम्हारी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका मतलब क्या पूरी एंटायर जर्नी के लिए तुम्हारी स्पीड 200 रहेगी, नहीं रहेगी ना, तो फिर तुम 30 इंटू 40 इंटू 3 कैसे कर सकती हो, कभी हो ही नहीं सकता।
एवरेज स्पीड क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, किसी भी टाइम पे जो स्पीड होती है वो। मान लो मैंने क्या किया कि मैं मान लो जम्मू से घर आता हूं, तो 600 किलोमीटर है मेरा घर जम्मू से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे क्या स्पीड होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। हाँ या ना, सौ डिवाइडेड बाय चार किया, इज दैट राइट? अर्शिया गलत है, 100 डिवाइडेड बाय 4 गलत है। क्या लॉजिक लगा दिया 100 डिवाइडेड बाय 4? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड, टाइम ग्राफ। ना ना ये गलत तरीका है, 10 20 30 40 ये गलत तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। तुम एवरेज निकाल रही हो, नंबर्स का एवरेज तो नहीं पूछा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कभी नहीं करते। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, दो तीन क्वेश्चन करेंगे आइडिया लग जाएगा ना, मिड पॉइंट देख के भी नहीं आएगा अभी। वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इसलिए। अभी मैं करवाता हूँ, 4 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, बस तुम्हें आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक है। देखो अभी रेडियस है पाई मीटर, एक बंदा है, एक बंदा है, ये बंदा ए से लेके बी पे जाता है, डिस्टेंस बताओ इसको, ठहरो 1 बाय पाई करते हैं, 1 बाय पाई मीटर। अब डिस्टेंस बताओ, ए से लेके बी पे जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, पोजीशन, इनिशियल से फाइनल। ये ग्राफ बना दिया, देखो एक एक चीज कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। यहां से शुरू होगा, उसको जीरो टाइम मानेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो से लेके ये पहुंचा ए से लेके बी पे, कितने टाइम में पहुंचा, ये पहुंचा मान लो 2 सेकंड में। सबसे पहले बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ए से लेके बी तक, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बिल्कुल सही बात है जयकर, बिल्कुल सही है। देखो इस केस में डिस्टेंस ही होगा, और ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर का 1/4। भाई ये जो टोटल सर्कल है उसका कितना है, 1/4 ही तो है। हाँ है ना, मैं कह रहा हूं ए से लेके बी तक गया, इसके अलोंग ही गया होगा बेटा, सर्कल बनाया है तो इसके अलोंग ही चलना है इसको, तो ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 1/π, 1/2 मीटर आ जाएगा। हाँ है ना, डिस्टेंस आ गया 1/2 मीटर। मेरे को ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बिल्कुल, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट पाथ होगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √2/π आएगी।
हाँ है ना, रूट टू बाय पाई मीटर। वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी क्या आएगी यहां से लेके यहां तक की, वेलोसिटी कितनी आएगी, मतलब एवरेज वेलोसिटी आएगी इस केस में, इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2 π m/s। और डायरेक्शन कहां से कहां से, ए टू बी, ए से लेके बी वेक्टर वाली डायरेक्शन आएगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं। हाँ है ना, डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होगी इसमें। स्पीड कितनी आएगी, 1/4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। ए से लेके आप गए सी तक, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ही बताओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस 1, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 2/π। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी वन बाई टू पाई, और स्पीड बताओ 1/4। अरे यार अब बताओ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या तुम्हें, ये बताओ अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एवरेज, कोई कंफ्यूजन वाली बात है इसमें? विकास तुम भी बता दो, ग्राफ अभी करेंगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैं ए से लेके बी पे गया कार से, जाते वक्त मेरी जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए से बी पे गया और बी से ए पे गया। पहली चीज बतानी है आपको एवरेज स्पीड, दूसरी चीज बतानी है आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक डिस्टेंस चला बेटा 1 मीटर और टाइम लगे 4 सेकंड, तो आ जाएगी तेरी स्पीड 1/4। बस यही दे रखा क्वेश्चन, इतना ही है। ए से बी पे गया और बी से वापिस ए पे आ गया, मतलब जाते ही वापिस आ गया। एक मिनट, बिल्कुल सही अमरीश,
बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, डिस्टेंस नहीं दिया, विकास डिस्टेंस दिया ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी का आंसर सही है तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब एवरेज स्पीड का और पता करो, करो करो सॉल्व करो, लगाओ दिमाग, 2 मिनट और देता हूं तुम्हें, 2 मिनट आराम से आंसर मत दो, सोचो करोगे कैसे। होगा एंजल सही है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मैं देखो एक बार है ना, इस डिस्टेंस को एक्स मान लो, पहले अगर इन दोनों का सम डिवाइड बाय टू कर रहे हैं, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला मैंने बताया ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा 35 का एवरेज स्पीड नॉट द एवरेज ऑफ टू नंबर, मैंने ये थोड़ी सिखाया कि एवरेज दो नंबर का कर लो, ये डिस्टेंस एक्स मान, ठीक है, ये डिस्टेंस जैसे तुम एक्स मानोगे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो जाने की डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स और वापस जाने की डिस्टेंस कितनी हो गई टू एक्स डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी वी डिस्टेंस एक्स, तो जाने में टाइम कितना लगेगा, टी वन टाइम मान लू और वो कितना आ जाएगा एक्स बाय 30। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, इसको किसी में कंफ्यूजन है, तुम्हें पता ही है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, आया ना, तो बताओ वापिस आने का टाइम क्या होगा, टी टू टाइम कितना आएगा एक्स बाय 40, आया ना, और टोटल टाइम क्या होगा टी वन प्लस टी टू, टोटल टाइम कितना आएगा T1 प्लस T2, तो इसको T से डिवाइड करना है T1 प्लस T2 से, तो क्या आ जाएगा X by 30 प्लस X by 40, ये लॉजिक समझ में आ गया। अब तुम्हें पता है इसमें से X कॉमन आ जाएगा, X से X गायब हो जाएगा, 2 इंटी 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 70, आया ना, 4 थ्री जा 12, 12 फोर जा 48, 480 डिवाइडेड बाय 7,
आयरन। समय आ गई, पक्का समय में आ गया सबको। टफ कहाँ था, सिंपल था यार, सिंपल ही तो था। ये इसलिए करवाया क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तुम वो अप्लाई नहीं करते हो, आया ना? अच्छा सही बात है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। 4 डिजिट 20 को 240 डिवाइडेड बाय 7। हाँ बाकी और इसको कर सकते हो, असल में ये नहीं। अब मैं ये कहता हूं तुम्हें 240 कैसे नहीं आएगा यार, 4 डिजिट 12 12 डिजिट 24 ये तो आएगा। हाँ अच्छा, मैंने पढ़ा तुम्हें ये लिखने के बाद। हाँ सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं जो तुम्हें फॉर्मूला पता है तुम्हें उसे यूज करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप क्या करते हो, आप इन दोनों को लेते हो, इन दोनों का एवरेज कर लेते हो। यार मैंने 2 नंबर का एवरेज थोड़ी सिखाया है, फिर से बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है तुम्हारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आया ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे है, इधर से ये गया और इधर से वापस ये आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही हुआ। तो जाने का डिस्टेंस x मान लिया, आने का डिस्टेंस x मान लिया, टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बस आ गया आंसर आपका। ये बात समझ में आ गई यहां तक? ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अब इसके ना कितने भी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपको क्या करना है, यही लगाना है। मिलेगी मिलेगी, थोड़ा कराने दो एक बार। अब सुनो, अब एक चीज लिखो, एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन किस किस ने 9th क्लास वाले लेक्चर देख रखे हैं, उसके बाद में भी देखे किसी ने, पिछली क्लास के बाद में देखे? बहुत बढ़िया, अगर तुम वो देखोगे ना तो मैं 2 3 क्लासें मैं भेजूंगा ना। यार मेरी वीडियो पॉज है क्या? नहीं है बेटा, सही है, तुम्हारी में आ रहा होगा वीडियो पॉज। ठीक है, धीरे धीरे नहीं, फटाफट देख लो 9th वाले। अब देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन क्या चीज है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लिख लो एक्सेलरेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, dv/dt। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तुम्हें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dr/dt। आया ना, पता है ना वेलोसिटी, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे ऐसे dv/dt कर दोगे, तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना इस तरफ का d2r अपॉन
डी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, बाद में बताएंगे क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस ही है। जनरली हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से काम करना है, आया ना? एवरेज एक्सेलरेशन बहुत रियल केस में यूज आता है, ऐसे कोई पूछ लिया तो पूछ लिया किसी। अब देखो ये लिख दिया फटाफट, ये लिख दिया। अगर मैं एक चीज कहता हूं, मैं बोलता हूं किसी चीज का एक्सेलरेशन है 10 मीटर, चलो 10 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना? और इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है u पहले आता है v बाद में आता है, तो u मतलब इनिशियल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन क्या बताता है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए। हाँ ये बताओ ये एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे यूनिट अगर देखो तो ये है 2 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो ये अपने आप ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब हर 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है, दो मीटर पर सेकंड। इसमें इसमें हर 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है, फाइव मीटर पर सेकंड का। अब ध्यान से समझना, एक चीज बताओ, ये कार है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, P इक्वल टू जीरो के 1 सेकंड बाद में क्या वेलोसिटी होगी इसकी, 1 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे 4, और 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे 6। तुम कर क्या रहे हो, ए को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आया ना? तो ये चीज क्या रही है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, वेलोसिटी नहीं आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड, अब बताओ 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, 6, आया ना? और 2 सेकंड में 8, बिल्कुल ऑब्वियस की बात है। तो एक्चुअली a इनटू t, तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या चीज है, चेंज। ये क्या है, a इनटू t, a क्या बता रहा है, 1 सेकंड में कितना चेंज आया, और t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, t टाइम में कितना चेंज आया। बेटा सारा ही फर्क है, वापिस सुन लो, मैं ये कह रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी
4 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी स्पीड क्या होगी? कैसे पता चला? संशय ने बता भी कैसे पता चला? फॉर्मूला मत बताओ, फॉर्मूला नीचे ही मेरे पास रटना नहीं है इसको, आया ना? बिना देखे ऐसे हो जाने चाहिए फॉर्मूले, बाद में मैंने लॉजिक ही हो जाने लग जाएंगे कुछ। हाँ बताओ मेरे को, अरे भाई एक्सीलरेशन क्या बताता है? एक्सीलरेशन टेल्स यू हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो 1 सेकंड एक्सीलरेशन बता रहा है कि 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है, यही तो बताया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे लिख नहीं सकता? 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड ऐसे लिख सकता है? तो हर 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, तो अब मैंने कहा अगर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, दैट इज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 2 का चेंज आ जाएगा तो 4 का चेंज हो जाएगा, फिर 1 सेकंड और दैट इज 2 सेकंड में कितने का चेंज आ जाएगा? 4 का 4 का 8, 3 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 3 2 6 6 plus 4 10 हो जाएगी स्पीड, आया ना? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मैंने कब कहा a into t velocity देता है? मैंने कहा a into t change in velocity देता है, a into t change in velocity देता है। एक मिनट संचरे कोई डाउट पूछ रहे? हाँ संचरे बोलो। संचरे मेरी आवाज आ रही है? अच्छा नहीं पूछना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी चंदन सर करवाएंगे, मैं बाद में करवाऊंगा, थोड़ा भी ज्यादा पढ़ाएंगे बाद में, मैं जनरल फिजिक्स के नाम से करवाऊंगा सारा। नहीं आएगा टेस्ट में, एरर नहीं आएगा। हाँ भाई इधर ध्यान दो, सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल एरिन सही बात है, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। मेरे को ये बात बताओ a इंटू टी क्या देता है, एक्सेलरेशन क्या दे रहा है, वेलोसिटी का चेंज 1 सेकंड में, तो मैंने कह दिया वेलोसिटी का चेंज मान लो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? तो बताओ 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 1 सेकंड में कितने का चेंज आया? 5 का, और 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, और 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो यार कर क्या रहे हो तुम? तो 2 सेकंड में कर रहे हो तो 2 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड से सेकंड, तो 10 का चेंज आ गया, ऐसे ही तो करोगे। 3 सेकंड में देखना तो 3 सेकंड से 1 सेकंड से सेकंड गया तो 15 का चेंज आ गया, तो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज क्या है? वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू किसके बराबर आ गया? ये पूरी की पूरी चीज क्या है? एक्सेलरेशन, और ये चीज क्या है? टाइम। तो ये बता दो भाई a इंटू टी क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है या चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है?
अरे भाई वी डॉट यू निकालना क्या हुआ आकर्षित? वी डॉट यू निकालना क्या हुआ? वी कॉमा यू ए इंटू टी से अगर मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया, आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो भाई? अच्छा इनिशियल वेलोसिटी निकाल दोगे? मैं कह रहा हूं ना, लो अभी लो फिर, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम इंटरवल है 2 सेकंड, ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कैसे निकालेंगे बताओ भाई? निकाल ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है भाई। चेंज दो नंबरों का अगर आपको चेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो एक नंबर तो पता होना चाहिए ना, तभी तो दूसरा नंबर आएगा। तो एक तो चीज चाहिएगी या तो फाइनल चाहिए। मैं कहता हूं मेरे को दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो बताओ छोटा वाला नंबर कितना है? अभी मत बोल देना बड़े वाले से 10 कम। तो अब ये बताओ दोनों नंबर कौन कौन से हैं? तो बस वही कंडीशन इसके लिए है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है भाई। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कम से कम आपको तीन चीजें पता होंगी तभी चौथी चीज निकाल सकते हो। बेटा निकालेंगे नहीं, वो देगा इंफॉर्मेशन देगा तभी निकाल सकते, वरना नहीं निकाल सकते भाई। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से तुम कितने वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो पहले ये बताओ मेरे को। ये बताओ एक और दो इक्वेशन से कितने अननोन वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हो? दो, ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम ही है। तो ये एक इक्वेशन है तो 1 2 3 4 वेरिएबल है, तो कम से कम तीन पता होंगे तभी चौथा आएगा ना। अब समझ में आ गई तुम्हें मेरी बात? अब समझ में आ गई बच्चे अच्छी तरह से आ गई बात समझे? ठीक है समझ में आ गई तो सुनो आगे की बात। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन फर्स्ट है, ये डायरेक्शन सेकंड है। पहले ये बताओ कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? कौन सी डायरेक्शन में जा रही है कार? यार कैसे जा सकती है फर्स्ट? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है तो डायरेक्शन यही होगी, नहीं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है फर्स्ट। तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था तुमसे, ये भी गलत बता रहे हो तुम मेरे को। और मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बताओ एक्सेलरेशन की कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? अब ये बताओ एक सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एक सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? -25, बहुत बढ़िया, हाँ या ना? और 2 सेकंड पे? -30, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से मैंने इसको प्लस माना था ना, अगर मैं इसको प्लस मान लूं तो ये वेलोसिटी प्लस हो जाएगी और एक्सीलरेशन प्लस हो जाएगा, तो भी तो सेम ही चीज है, हाँ है ना भाई? इच्छा तो कोई भी, मैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव मान सकता हूँ ना,
कोई मेरे को फोर्स तो नहीं कर सकता कि ये डायरेक्शन नहीं माननी है, लेकिन एक बार मैं इसको बिठा देता हूं। अब बताओ एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव, दैट इज एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन। अब बताओ एक सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, -15। बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक मिनट एक मिनट देखना देख एक मिनट खुशी देखने दो। हो गया खुशी, हो गया बात समझ में आई या नहीं आई? दो सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी? -10। 3 सेकंड पे? 3 सेकंड पे? और 4 सेकंड पे? और 5 सेकंड पे? बस आ गया, मतलब तुम्हें समझे। 5 सेकंड पे 5, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये चीज ऐसे ऐसे जाएगी, धीरे हो जाएगी और फिर इधर जाएगी। ये बताओ इस टाइम पे ये एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है? इस टाइम पे ये एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है? रिटार्डेशन। लोग रिटार्डेशन का मतलब क्या समझते हैं बेटा? यही है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्पीड कम होती है, ठीक है? और रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड कम होना। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड कम होना। तो रिटार्डेशन कब होगा? रिटार्डेशन कब होगा? कहां बढ़ रही है स्पीड बेटा? 1 सेकंड पे 15 हो गई, दूसरे सेकंड पे 10 हो गई, तीसरे सेकंड पे क्या हो गई? कम हो तो रही है, हाँ या ना? बिल्कुल। रिटार्डेशन का मतलब है व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। लिखो retardation means speed is decreasing. अभी बता रहा हूं बिना फॉर्मूले के कैसे करना है, बता रहा हूं तुम्हें। यार अभी देख नहीं रहा, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। जब गाड़ी के ब्रेक मारता है तो क्या होता है? ऐसा ही होता है, तब रिटार्ड ही करती है ब्रेक मारता है तो। और जब स्पीड बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंड एक्सेलरेशन इज ए जनरल टर्म। रिटार्डेशन को भी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम। जैसे हर इंसान औरत नहीं है, लेकिन हर एक औरत इंसान है। मेरी बात समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन इंसान मान ले और रिटार्डेशन औरत मान ले, बात समझ में आई या नहीं? रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग। और स्पीड कब डिक्रीज होगी? मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, इट मींस अभी ये चीज इधर जा रही है लेकिन इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब बताओ
अगर इनिशियल वेलोसिटी 50 हो जाए तो ये चीज इधर जाएगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन इधर है, एक सेकंड बाद में क्या स्पीड होगी 15, और 2 सेकंड पे, और 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। तो बेटा आ तो रहा है तुम्हें समझ में, और क्या चाहिए तुम्हें, आया ना? तो जब स्पीड कम करती है बेटा, पता नहीं अभी, ठीक है, जब स्पीड कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, तो लिखो भाई, रिटार्डेशन मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, देन स्पीड इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डिक्रीज करेगी। लिखो, when velocity and acceleration are in, when velocity and acceleration are in in opposite direction, speed decreases. Acceleration की direction positive कब होती है? कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। बात समझ में आई नहीं? कोई लॉजिक नहीं है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होती है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मान लो तभी पॉजिटिव हो जाती है। ना 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 ना, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव देन रिटार्डेशन विल बी पॉजिटिव। नहीं, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव देन इट इज नोन एज रिटार्डिंग मोशन। Retarding motion means speed is decreasing. स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। मैं टाइप करता ही नहीं हूं, मैं यही देख रहा था,
फिनिश क्लासेस के नाम से मैसेज आया था, लेकिन मैंने अपने आप को मैसेज तो किया नहीं, तो आ कैसे गया? चलो ठीक है, अभी जितना पढ़ा आज के लिए उतना ही काफी है, अब थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ है ना, ठीक है, अब थोड़ा वैसा करें प्रैक्टिकल सा काम, ठीक है? तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप देखना उसमें, अभी हम डिस्कशन करते हैं, आज जो पढ़ा उसका डिस्कशन करते हैं। एक मिनट दो, ये बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी ग्राफ व्राफ कुछ मत देखो, बेसिक बेसिक बातें देखो। देखो x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन कहां पे है? t इक्वल टू जीरो पे दिखाई दे रहा है। मेरी इच्छा होगी मैं इनिशियल पोजीशन वहां ले जा सकता हूं, हाँ है ना? देखो अभी जीरो पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जीरो हुई। हाँ है ना? अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चीज जाएगी, हाँ है ना? और देखो जीरो मतलब, और अब देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर लिया कार ने, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये जीरो है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव कर लिया, नेगेटिव किया तो इस डायरेक्शन में मूव कर लिया इसने, नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आ रही बात समझ में? रही बात एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की इधर भी कर दू कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अभी पहले एक्सेलरेशन जीरो करता हूं और फिर चीज को चलाता हूं, वेलोसिटी करता हूं 0.5, रन कर रहा हूं कार चलेगी, देखना एक कांस्टेंट स्पीड से कार जा रही है, देख लो टाइम के साथ साथ में। अब तुम देख लो इतने टाइम में कितनी चली ना, कुछ नहीं लिखना मेरे को, अब मैं बस इसी से समझाऊंगा। अब 5.42 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, हाँ है ना? अभी मैं इसको और चला रहा हूं, देखना तुम, अब देख लो 6 सेकंड में कितनी चल गई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? नहीं आया समझ में? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसका एक्सेलरेशन है ना पॉजिटिव कर देता हूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर देता हूं, तो ये इस टाइम के लिए हो गया पूरा की। अब ये ठहरो t इक्वल टू जीरो पे, अब मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूं 5 और एक्सेलरेशन कर देता हूं -1 करते हैं, ठहरो मेरे को ये बताओ 1 सेकंड पे स्पीड क्या होगी इसकी, 1 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? जीरो सेकंड पे 5 है, 1 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? 4, और 2 पे
इस तरफ चलती चलती धीरे धीरे रुकेगी या चलती जाएगी? कितनी देर में रुक जाएगी? 5 सेकंड में चलाएं? चला दूं? ये लो। ट्रैक बहुत लंबा है और दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? चला तो दी, अब वापिस आ गई है। यार ये वापिस क्यों आ गई? कोई मेरे को समझाएगा वापिस क्यों आ गई? वापिस क्यों आ गई है? क्योंकि वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तब भी एक्सेलरेशन -1 रहेगा, दैट इज 36 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -1। आया ना? 5 सेकंड तक रिटार्ड करेगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी ये। चलो कोई बात नहीं, इसको रीसेट करते हैं, फिर से देखो एक बार, फिर से यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे लेकर आते हैं इसको, ठीक है? और इससे भी मेरे को बात बनेगी नहीं, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम करते हैं, 2 कर देते हैं अब, ठीक है? एसिलेशन कर देते हैं 0.5 अब, ठीक है? अब बताओ कितनी देर में रुकेगी, ये बताओ कितनी देर में रुकेगी, अभी बताओ। 4 सेकंड में कर दूं शुरू, चला दें इसको। ये लो चल गई। क्या हुआ? कितना टाइम है? 4.17 सेकंड। 4 सेकंड पे रुके, वापस उल्टी मुड़ गई है। अब चला रहा हूं वापस। बताओ लॉजिक समझ में आया नहीं आया? लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अब देखो, अब मैंने क्या करना है, यहां पे ले जाते हैं और इनकी डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। चलाऊं? कितनी देर में कितनी देर में रुकेगी अब? कितनी नहीं रुकेगी, बिल्कुल सही बात है। क्यों? बहुत बढ़िया, क्यों नहीं रुकेगी? चलो चला के देखते हैं एक बार, चलाएं। ये देखो, चलो मेरे को ये बताओ, ये बताओ मेरे को 6 सेकंड पे क्या स्पीड होगी इसकी? स्पीड क्या होगी 6 सेकंड पे? बिल्कुल। और वेलोसिटी? सही बात है, वेलोसिटी -3.5 6 सेकंड पे, और स्पीड सबसे बेस्ट करके देख लो, अब चलता जाएगा, देखना चलेगा। अब देखो मैं इसको स्टेप्स में कर रहा हूं, दो सेकंड पे देखना, तुम्हारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी वेलोसिटी की इसकी। तुम्हारी प्रिडिक्टेड वेलोसिटी आ गई इसकी 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे क्या होगी इसकी वेलोसिटी? -2। हाँ है ना? देख लो,
अब देख रहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर देता हूं, अब बताओ कितनी देर में वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी कितनी देर में जीरो होगी, ध्यान से देखो 10 सेकंड में, एक्सेलरेशन वन नहीं है। अब देखना चला दूं, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो देख लो। देखना 10 सेकंड में जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, देखना। चलो अब ये बताओ, तो मैं नहीं समझ आया तो बताओ मेरे को, मेरे को ये बताओ समझ में आया जो पढ़ाया मैंने तुम्हें, पक्का? मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि तुम्हें इतना समझ में आ जाए, व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाँ या ना? एक सेकंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन वन नहीं है, 0.1 है इसलिए, है ना? डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई तुम फंडामेंटल? ठीक है, आज का लेक्चर दो बार देखना भाई, अगले लेक्चर में ग्राफ व्राफ करवाऊंगा और इक्वेशन ऑफ मोशन करवाऊंगा, आई बात समझे? ओके बच्चों, बाय बाय, ओके गुड नाइट। बिल्कुल बिल्कुल, आज तुम्हें पढ़ा के बढ़िया लगा, कई दिनों बाद में पढ़ाया मैंने तुम्हें, बाय बाय। बाय बच्चे, बाय बाय।